हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फैशनी टीवी। मेरा नाम रीना है और मेरी एक और रिएक्शन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हो, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए। तो चलिए आज की रिएक्शन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज की जो अभी वाली जो रिएक्शन वीडियो है वो छोटी होने वाली है क्योंकि ये सिर्फ लाइव पर है। जिस लाइव में सचिन गए हुए थे, जो कल रात को लाइव थी, उसमें उनको मतलब रोते हुए देखकर आप लोग भी समझ गए होंगे कि हम सारे जो कह रहे हैं इतने दिनों से कि ये मेंटली परेशान है, ये साइको हो चुका है, क्योंकि सचिन ऐसे कर रहा है अभी हरकतें। लेकिन इस इंसान को साइको किसने बनाया है, किस लिए बना है, ऐसा तो नहीं था वो। तो ये सब चीज़ें जो इंसान पे होती है ना, उसी को पता चलता है। कई बार हम क्या सोचते हैं कि जैसे मनीषा की तरफ ही ध्यान जा रहा है कि उसके साथ हुआ है, इसने की है गलती, लेकिन क्या होता है कि कई बार सिचुएशन अलग हो जाती है। अभी फिलहाल जो गलती कर चुका है वो तो गया आया हो गया टाइम, अभी फिलहाल इसकी इतनी बुरी हालत हो रही है कि वो समझ ही नहीं पा रहा है उसके साथ हो क्या रहा है। सचिन ऐसे लग रहा है कि उसके धोखे से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, उसको बिलीव नहीं हो रहा है कि उसके साथ कोई ऐसा कर सकता है। और लोगों को वो समझा रहा है कि जैसा आप सोच रहे हो ना, उससे ज़्यादा चीज़ें हैं, इसीलिए वो बाहर गया हुआ है। वहाँ से वो सच्चाई लाने की कोशिश कर रहा है। अभी भी वो यही चाह रहा है कि जो ये लीगल लीगल खेल कर सच्चाई दबाने की कोशिश की जा रही है ना, उसको मैं दबाने नहीं दूंगा। और कल रात की आपने लाइव देखी होगी, नहीं देखी ना तो आप एक बार, ये छोटी सी क्लिप है मैं आपके लिए सुना रही हूँ, तो आप ध्यान से सुनना कि सचिन की क्या हालत हो रही है, किस लिए हो रही है इतना बड़ा धोखा। ये है रिकॉर्डिंग। अब देखो, कोई इंसान साइको हो ना तो क्या होगा, उसकी बुरी हालत कर रखी है। 10 तारीख तक उनकी बात होती थी और आप कह रहे हो कि मतलब हमारा रिश्ता नहीं है पिछले 3 महीने से, तुम मूव ऑन कर लो। मनीषा को सच में अभी व्लॉग में ये कह रही है कि मूव ऑन करो, सचिन तुम्हारे पास ही है, कर लो। फिर कहाँ से करेंगे, 2 दिन पहले तक वो तुमसे बात कर रहा है, तुम 5-5 घंटे उनके साथ वीडियो कॉलिंग पे हो। और ये चैट में भी दिखाया था सचिन ने, कल चैट में दिखाया था, उसमें वीडियो कॉलिंग थी और सेम टाइम पे आप वहाँ सुमित जी से भी बात कर रहे हो। सच में, रियल में ऐसा
एक टाइम पे आप दो दो इंसान को धोखे में रख सकते हैं और फिर हम उम्मीद करते हैं कि वो इंसान सही हो। इतनी कसमें वादे, 2 दिन पहले तक इन दोनों का एक होने का इरादा था, तो वो कैसे मनीषा के साथ मूव ऑन करेगा? तो वो साइको ही होगा बंदा। वो अपना लाखों का सच में नुकसान करके उसने अपने प्रमोशन उसको दे दिए, अपने प्रमोशन नहीं किया, अपने चैनल की ग्रोथ डाउन चली गई उसकी, लेकिन उस पर फोकस किया और आज तुम ये कह रहे हो। हद है भाई, मतलब सचिन की गलती है मानते हैं, लेकिन वो क्या कह क्या रहा है कि सिर्फ मुझसे एक बार ये कह दो कि हाँ मैं इस रिलेशनशिप में थी। सिर्फ ये उम्मीद कर रहा है कि जब वो अगला बंदा ये कह रहा है खुलेआम कि हम रिलेशन में थे और सीरियस रिलेशन में थे, मतलब ऐसी नौबत थी कि एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे, इस रिलेशन में होने के बाद आप झूठ बोल रहे हो। आप सामने से आकर एक बार भी हाथ जोड़ के ये नहीं कहा गया, व्लॉग में आप माफ़ी मांग रहे हो, पर सरिता जेठू इनसे उनसे मांग रहे हो, किस चीज़ के लिए मांग रहे हो उनसे? ऑडियंस माफ़ी मांगती है, कह रही है कि मनीषा से मांगो, सचिन और दोनों मिलकर मांगो, पर यहाँ पर ये आगे नहीं आ रही हैं, ये प्रूफ पे प्रूफ लेकर आ रहा है और ये लेकर नहीं आ पा रहा। अब इसकी मजबूरी होगी, ये बोलकर ही बता पाएगा क्योंकि इसके पास लीगल नोटिस आ चुका है सचिन के पास, और लीगल नोटिस आने के बाद हम कोई भी प्रूफ नहीं रख सकते सोशल मीडिया पर नेक्स्ट पार्टी का, तो यहाँ मजबूरी है इसकी। अब बोले तो मनीषा बोल सकती है, तो इसकी ये हालत है, इसकी वजह से ये जो हो रहा है इतना सब कुछ हो रहा है। एक टाइम पे दो दो इंसानों को आप बेवकूफ़ बना रहे हो और आज उम्मीद कर रहे हो कि तुम मूव ऑन हो जाओ या फिर सुमित जी की। अब इतना सब होने के बाद सुमित से भी बात कर रही है यार, ऐसा ही है फिर सुमिति? मतलब क्या फैमिली में कोई रेपुटेशन नहीं है क्या? अगले बंदे को जब पता चल गया सोशल मीडिया पर पूरी थू थू हो रही है इस इंसान की, फिर भी आप बात कर रहे हो? आप तो नॉर्मल फैमिली के हो, तो वहीं छोड़, स्टॉप हो जाओ इस चीज़ को। और अब इसको भी समझ आ गई सचिन को कि मनीषा जैसी लड़की उसको नहीं मिलेगी, जल्दी समझ आ गई वैसे तो देखे तो, है ना? सब कुछ खोने के बाद अब अक्ल आई है 2 दिन पहले, मतलब अब इसको लग रहा है कि मुझको जो लाइफ जीनी है वो मनीषा के साथ ही जीनी है। बेचारी वो समझा समझा के पागल होगी, वो मेंटली परेशान हो रही है, वो उसको नींद नहीं आती, वो खाना नहीं खा रही, उसके चेहरे की हालत देखो, इंस्टा पर उसकी आज मैंने पिक देखी, कितना रो रो के उसका मुंह कितना ख़राब हो रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। और आज 2 दिन पहले तक तुम कस्में वादे खा रहे हो, ये कस्में वादे पूरे नहीं हुए तो तुम मनीषा के पास ले, नेहा ने लात मार दी तो मनीषा सबसे अच्छी है। मेंटली परेशान हो रहे हो, मुझे भी पता है कि उस पार्टी से धोखा मिला है, पर अभी भी संभल जाओ, धोखा मिला है तो छोड़ दो उसको, कोई सच्चाई सोशल मीडिया पे नहीं लानी उसकी, पता चल गया जिसको जो था, अब वो कितनी भी सफाइयां दे दे सबको पता है कि वो गलत है, तो आप यहीं स्टॉप करो। सचिन जी आपके पास मेरी वीडियो पहुंचती हो तो, और मनीषा के पास जाओ, उससे माफ़ी मांगो, और हम सारे ऑडियंस जितनी रिएक्शन चैनल जितने भी क्रिएटर्स हैं सभी नेहा से भी यही उम्मीद करते हैं कि वो मांगे माफ़ी मनीषा से, तब मानेंगे आपने एक्सेप्ट किया है। अभी तक आपने कोई एक्सेप्ट नहीं किया कि मैंने किसी का घर बर्बाद किया है, ये चीज़ जिस दिन एक्सेप्ट करोगे उस दिन मानेंगे कि आपने है। वो जो आज का जो आपका माफ़ीनामा था ना, वो माफ़ीनामा था ही नहीं, कहीं से भी माफ़ीनामा नहीं लग रहा है। माफ़ीनामा असली होगा जिस दिन आप मनीषा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगोगे, और वो भी ऑनलाइन ही। जब तमाशा ऑनलाइन हुआ है तो ये माफ़ी भी ऑनलाइन ही होनी चाहिए। मतलब एक इंसान आपके लिए पागल हो रहा है, आपके भी चलो रिश्ते खराब हुए होंगे, इज्जत खराब हुई होगी, लेकिन अब वो एक सिर्फ मांग रहा है कि माफ़ी, एक्सेप्ट कर लो इस गलती को। जब आपका भाई एक लाइव में आकर खुलेआम एक्सेप्ट कर रहा है तो वो बंदा है असली बंदा, मैं मानती हूँ उसको बंदा कि हाँ मेरी बहन से हुई है गलती, और उसके पीछे नहीं 3600 लाइन लगेगी, लग जाओ 3600 लाइन लगाओ, 3600, 4000, 5000, 10-15 लाखों लगाओ लाइन, पर एक्सेप्ट तो कर रहा है वो बंदा, खुलेआम कह रहा है मेरी बहन से गलती होगी। जब उसकी मम्मी ने कहा ना कि भाई बहन करते, जब उसने चुप करा दिया अपनी मम्मी को और ये बोला कि नहीं मम्मी गलती हुई है, वो है अब ऐसा ही बंदा। चलो जो भी है, जैसा भी आज वो अपनी बहन को कर रहा है, पर उसने एक्सेप्ट कर लिया इस चीज़ को, तो आओ खुलेआम। उम्मीद तो हमने भी यही की थी कि जब भी आएगी वो सामने तो यही कहेगी हाँ मुझसे गलती हुई है, मैंने और सचिन ने धोखा दिया मनीषा को, पर नहीं, तुम भी मियाँ बीबी बने हुए हो, विश्वास टूटा है। अरे भाई तुम्हारा विश्वास टूटा है, सच में तुम्हारा विश्वास टूटा है कि तुमने किसी और का विश्वास तोड़ा है? इतना तो बताओ कम से कम, लोगों को क्लियर करो ये चीज़ें, तुम्हारा किससे विश्वास टूटा है? तुम्हारी तुमको शादी करनी थी सचिन से, वो नहीं हो पाई, या फिर तुम दोनों का ये प्लान है कि ये सब कंट्रोवर्सी कर दो, सुमित के साथ रिश्ता टूट जाए, तुम दोनों शादी कर लो, क्योंकि बात तो खुलेआम आ गई, फिर हम दोनों बेशरम हो जाएंगे और फिर मनीषा को निकाल दो और हम दोनों शादी कर लें, या तो तुम्हारी फिर ये प्लानिंग होगी।
कि दोनों तुम लोगों ने सोच रखा ऐसे तो कैसे रिश्ते को सामने लेकर आए और ये सब चीजें कर लेते हैं, या फिर तुम दोनों ही मिले हुए हो और या फिर सचिन को तुम पागल कर रहे हो। या तो एक्सेप्ट कर लो सारी दुनिया के सामने कि हाँ हूं मैं गलत, जितना सचिन है उतने तुम भी हो। तो इस चीज को एक बार एक्सेप्ट करने में दिक्कत क्या है, जब इतनी बड़ी गलती कर सकते हो तो इसको मानने में क्या है। सोशल मीडिया के सामने जो आप इमेज दिखा रहे हो ना कि मेरी बदनामी हो जाएगी मैं ऐसा कर लूंगी, तो हो चुकी है। आशीष जी का नाम भी मिट्टी में मिल चुका है। अब सुमित के साथ कितनी भी लाइफ कर लो, कोई भी सिंपति आपको नहीं मिलने वाली। आपके फैमिली के मेंबर चाहे कुछ भी बोले, आपके व्लॉग में आप कितने ही हंसते रहो, हमें भी पता है अब आपका चेहरा क्या है। तो ठीक है ना, इस चीज को अपना लो और आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। एक बार माफी मांगने से यदि ये मुद्दा खत्म होता है तो करो इसको खत्म। फिर क्यों नहीं चाह रहे, फिर आप खत्म करना ही नहीं चाह रहे। इसका मतलब यदि आप चाहते हो यहीं खत्म हो, और आप कह रहे थे कि मुझे कोई ये कंट्रोवर्सी से पैसे नहीं कमाने, तो ठीक है ना, सिर्फ एक वीडियो बनाना है, सिर्फ एक वीडियो, उसके अंदर हाथ जोड़कर मनीषा से माफी मांगनी है कि मैंने जो जो किया वो गलत किया, पर मैं अकेली नहीं थी, सचिन बराबर था, बस इतना कह दो, बात खत्म। वो लड़की और क्या मांग रही है बेचारी, वो तो आज भी सचिन पर भरोसा करे बैठी, आज भी आपसे उम्मीद करे बैठी कि मेरे से माफी मांगो। सरिता जी ने आपको समझाया था कि आप गलत काम ना करो, तो वो मनीषा ने भी समझाया था आपको कि गलत काम ना करो, तो माफी मनीषा से मांगनी चाहिए ना कि सरिता जेठू जी से मांगनी चाहिए। उनको तो आप बाद में भी सोल्व कर सकते थे ये जो प्रॉब्लम है। प्लीज आप भी कमेंट में अपनी राय जरूर बताना कि ये जो ऑडियो देखने के बाद आपको कैसे लग रहा है कि सचिन को सच में मैनिपुलेट किया जा रहा है, कि अभी भी दो दो मतलब पर्सन को इकट्ठे एक टाइम पे धोखा दिया जा रहा है, एक तरफ होने वाले हस्बैंड को, एक को जो छोड़ चुकी है, एक जिसका नाम यूज कर करके यहां तक पहुंची है। मतलब सीरियसली अपनी बेटी को कल को क्या दिखाओगी मुंह, तुम लोग क्या कहोगे कि ये तुम्हारी माँ, आयरन आयरन लेडी, वेरी गुड, ये आयरन लेडी होती है हमारे समाज की आज के टाइम पे। ऐसी आयरन लेडी हो तो पता नहीं बच्चे कहाँ के कहाँ चले जाएंगे, ये शिक्षा मिलेगी हमारे बच्चों को। प्लीज अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, सचिन की जो चैट हुई थी जो वायरल कल रात को उसने की थी, उस पर रिएक्शन वीडियो आने वाली है। शाम को आ जाएगी या फिर कल आएगी पक्का नहीं पता अभी तक तो, लेकिन इस वीडियो को आप पूरे से पूरा लाइक करना और अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि इस ऑडियो को सुनने के बाद आप क्या सोचते हो, कि आपको अभी भी लग रहा है कि ज़्यादा गलती नेहा की है या सचिन की है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना, और मेरी रिएक्शन में कोई कमी हो तो वो भी कमेंट में बता देना ताकि मैं उसको और इम्प्रूव करूँ।